सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने के बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का उजागर हुआ और ड्रग्स मामले में कई सारे नामचीन कलाकार भी एनसीबी के निशाने पर आ चुके हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अब ड्रग्स का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी ड्रग्स मामले को लेकर हुई थी। इसके साथ ही शक्ति कपूर के बेटे की भी ड्रग्स मामले को लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है और इन सब घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के बहिष्कार की मांग भी उठने लगती है, जिसके चलते आने वाले समय में बॉलीवुड की कई सारी बड़ी फिल्मों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन ड्रग्स मामले को लेकर बॉलीवुड के सबसे सफल एक्शन हीरो में से एक अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन भी दिया है। वह यूं कि एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने स्टार किड्स का बचाव किया है। उनकी फैंस से अपील है कि वे स्टार किड्स की गलती को माफ कर दें। ऐसा पहली बार नहीं है जब सुनील शेट्टी ने ऐसा रिएक्शन दिया हो। बॉलीवुड या फिर किसी और मुद्दे पर सुनील शेट्टी अपना रिएक्शन देते ही रहते हैं और इस बार उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स के बचाव में अपना रिएक्शन दिया है। अब हुआ यूं कि सुनील शेट्टी मंगलवार को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग के दिन सीबीआई के एक इवेंट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ड्रग्स और बॉलीवुड पर अपने विचार व्यक्त किए और इसी दौरान जब बॉलीवुड के ड्रग्स कलेक्शन के बारे में उनसे सवाल किया गया और इसका उन्होंने काफी शानदार तरीके से जवाब भी दिया। इस सवाल का जवाब देते हुए सुनील शेट्टी कहते हैं, एक गलती चोर को डकैत बना देती है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और मेरे 300 दोस्त हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ड्रग्स के चलते कई सेलिब्रिटी और स्टार किड्स चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में सभी ड्रगी नहीं है। उनका कहना है जैसा दिखाया जा रहा है असल में वैसा नहीं है। आगे सुनील शेट्टी कहते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, इन्हें बच्चा समझकर माफ कर देना चाहिए। बायकॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड ड्रग्स जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर नहीं चलाए जाने चाहिए, ये गलत है। उन्होंने कहा इंडस्ट्री नशेड़ियों से नहीं भरी है, यहाँ सभी नशेड़ी नहीं है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में फैले ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अब अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपना रिएक्शन दिया। उनके मुताबिक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ियों से नहीं भरी है। अगर किसी स्टार किड्स का नाम अगर ड्रग्स मामले में आ जाता है तो उसे बच्चा समझकर माफ कर देना चाहिए। हालांकि सुनील शेट्टी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भी खरी खोटी सुनने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फैले ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अपना ऐसा रिएक्शन दिया है। इसी के साथ ही अगर सुनील शेट्टी की आने वाली फिल्मों की तरफ डालें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी के पास आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन इस समय चर्चाएं की जा रही हैं उनकी फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर, जिसका अभी हाल ही में ऐलान भी हो चुका है। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इस फिल्म के पहले ही दो भाग सुपर डुपर हिट हो चुके हैं। ऐसे में फिल्म के तीसरे भाग का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।